हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीजीएसटी एक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई ये हम लोग आज करेंगे सीजीएसटी में। टाइम ऑफ सप्लाई को समझने के लिए हमें सीजीएसटी एक्ट का चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा। चैप्टर 4 में 5 सेक्शंस हैं, 12, 13, 14, 15। 12 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 12, 13 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और सेक्शन 14 कहता है कि टैक्स रेट में जब चेंज हो जाए, व्हेन देयर इज चेंज इन टैक्स रेट, देन व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, तब क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये तीन सेक्शन, 12, 13, 14, ये तीन सेक्शन चैप्टर 4 का आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। और सेक्शन 15 है जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बताता है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या है, तो अब आते हैं पहला सेक्शन 12 पे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्यों चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का पर्पस है कि एक बार टाइम ऑफ सप्लाई पता चल जाए तो आपको अपनी बुक्स में लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स की लायबिलिटी आप कब बुक करेंगे, जब टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है लायबिलिटी टू पे टैक्स शल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई पे आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है एज डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई आपने डिटरमिन की है, जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी तो टाइम ऑफ सप्लाई पे आपको अपनी लायबिलिटी बुक करनी होगी। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 पे आते हैं, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन व्हिच इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड। यानी सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा कि आपने इनवॉइस इशू किया है तो डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू नहीं किया है देन लास्ट डेट ऑन व्हिच इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर सेक्शन 31। यानी सेक्शन 31 में हम लोग अभी जाएंगे। सेक्शन 31 में बताया है इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट फॉर इशूइंग इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस व्हिच इवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो पहले होगा ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब आते हैं सेक्शन 31(1), इनवॉइस कब इशू करना है हमें, व्हेन इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। तो सेक्शन 31(1) कहता है टैक्स इनवॉइस हम कभी भी सप्लाई से पहले कभी भी दे सकते हैं या सप्लाई के टाइम पे देंगे। तो सप्लाई का यहाँ मीनिंग क्या है, व्हेन देयर इज मूवमेंट इन द गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स हम लोग कर रहे हैं, सेक्शन 13 सप्लाई ऑफ गुड्स से टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स है। तो व्हेन देयर इज मूवमेंट इन द गुड्स इन्वॉल्व, गुड्स में मूवमेंट है, गुड्स को आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सकते हो, इस केस में इनवॉइस आप रिमूवल से पहले या एट द टाइम ऑफ रिमूवल इशू करना पड़ेगा। इनवॉइस कब इशू करना है, बिफोर द रिमूवल और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स टू द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट को जब रिमूव करेंगे, गुड्स सप्लाई करेंगे, उसी टाइम इनवॉइस देना है। व्हेन देयर इज नो मूवमेंट, यानी गुड्स में कोई मूवमेंट ही नहीं है, यानी जिस जगह गुड्स है वहीं भी वहीं पे डिलीवर करना है। तो मतलब कई बार क्या होता है, गुड्स आपका ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल इंस्टॉल्ड है, वहां से अनइंस्टॉल करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा। तो उस केस में हम गुड्स वहीं पे डिलीवर करना है। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट फॉर सप्लाई, सप्लाई के लिए मैं उसको अवेलेबल करवा दिया या उनको डिलीवर कर दिया,
तो उसी टाइम पे इनवॉइस इश्यू करना है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट। ये सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 कहता है। अब सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 कहता है इनवॉइस बिफोर और आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस। इनवॉइस बिफोर और आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में इनवॉइस कब देना है? तो सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में देना है इनवॉइस बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोविजन से पहले कभी भी इनवॉइस दे सकते हैं, या सर्विस प्रोवाइड करने के 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस दे सकते हैं। तो इनवॉइस इश्यू करने का टाइम है इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इस केस में इनवॉइस देने का टाइम है बिफोर द सप्लाई ऑफ सर्विस और विद इन 30 डेज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी जब सर्विस आपने दे दिया है, सर्विस प्रोवाइड कर दिया है, तो सर्विस प्रोविजन के 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इश्यू कर दो या सर्विस प्रोविजन से पहले इनवॉइस दे दो। तो ये इनवॉइस का डेट है व्हेन इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड। ये सेक्शन 31 हम लोग करेंगे सेपरेटली, जब जब इनवॉइस वाले टॉपिक करेंगे तो वहां डिटेल में करेंगे। अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? यानी गुड्स के ऊपर हम लोगों ने 10 गुड्स देखा है जिनके ऊपर टैक्स पे करेगा रिसिपिएंट, तो रिसिपिएंट की लायबिलिटी कब होगी पेमेंट की? तो रिसिपिएंट के लिए लायबिलिटी होगी विच इवर इज अर्लियर, इनमें जो जो एक्टिविटी पहले होगा। पहला एक्टिविटी है कि रिसिपिएंट जब गुड्स को रिसीव करता है, डेट ऑन विच रिसिपिएंट रिसीव द गुड्स पहला। सेकेंड, डेट ऑन विच पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स, डेट ऑन विच पेमेंट डेबिटेड इन बुक्स। दो चीज है कि डेट जिस दिन आपने एक्चुअल में पेमेंट किया है, यानी रिसिपिएंट जिस दिन एक्चुअल में पेमेंट किया है, या मतलब बुक्स में एंटर्ड किया है पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट का मतलब कि उनके अकाउंट में, रिसिपिएंट के अकाउंट में कब डेबिट हुआ है, डेट ऑफ डेबिट क्या है, और एक्चुअली पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स। और कहता है फोर्थ पॉइंट कि डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस, इनवॉइस से 30 दिन। यानी आपने गुड्स रिसीव भी नहीं किया, उसके बाद सेकंड कहता है पेमेंट भी नहीं किया आपने, पेमेंट डेबिट भी, पेमेंट आपने बुक्स में एंटर भी नहीं की, तो कहता है कि इनवॉइस आपने दे दिया है, तो इनवॉइस से 30 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। मतलब ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, यानी 30 दिन जिस दिन खत्म होगा उसका अगला दिन, 30 फॉलोइंग द 30 डेज। तो इनवॉइस जिस दिन इशू है वहां से 30 दिन काउंट कर लो, 31वां दिन 31st डे जो होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो इन चार पॉइंट में, पहला डेट ऑन विच रिसिपिएंट रिसीव द गुड्स, जिस दिन रिसिपिएंट गुड्स को रिसीव किया है, या जिस दिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में पेमेंट एंटर किया है, या जिस दिन रिसिपिएंट के बुक्स में अकाउंट्स में ये पेमेंट डेबिट हुआ है, या इनवॉइस के डेट से 30 दिन खत्म हो गया, तो अगला दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो इन चारों डेट में जो डेट सबसे पहले आ जाए, ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12 सब सेक्शन 4, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, गिफ्ट वाउचर। आप कहीं से शॉपिंग करते हैं तो एक शॉपिंग में एक ट्रेंड है कि कस्टमर को मोटिवेट करने का, कि आप एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि आप 5000 का परचेज करेंगे तो 1000 का वाउचर देंगे, 1000 का गिफ्ट वाउचर देंगे, उस वाउचर के अगेंस्ट कुछ और सामान फ्यूचर में परचेज कर सकते हैं। तो उस केस में
उस वाउचर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो वाउचर में आइडेंटिफिएबल है, सप्लाई आइडेंटिफिएबल है कि जो वाउचर आपको दिया है उस वाउचर के अगेंस्ट आप क्या लोगे, ये डिटरमिंड है, आइडेंटिफाइड है कि उसमें लिख दिया है कि ये वाउचर मिलेगा, इस वाउचर के बदले आपको वॉच मिलेगा, या वाउचर मिला है इस वाउचर के बदले आपको शर्ट मिलेगा, वाउचर है वाउचर के बदला आपको कोई एक फिक्स आइटम मिलेगा, मतलब कि उसका आइडेंटिफिएबल है, सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल। तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर इश्यू होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, वहीं पे सप्लायर को अपनी लायबिलिटी बुक करनी होगी क्योंकि सप्लाई आइडेंटिफिएबल। अब सप्लाई, व्हेन सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइड, वाउचर के अगेंस्ट हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी कुछ भी ले सकते हैं, वाउचर के शर्ट भी ले सकते हैं, पैंट भी ले सकते हैं, टाई भी ले सकते हैं, वॉच भी ले सकते हैं, मतलब कि कुछ भी ले सकते हैं वाउचर, मतलब कि उतने अमाउंट जितना वैल्यू होगा उसमें से इतने अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। तो व्हेन सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर को आप रिडीम करेंगे वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 है। अब वाउचर का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाउचर, वाउचर इज एन इंस्ट्रूमेंट, वाउचर को एक इंस्ट्रूमेंट कहा गया है कि वाउचर आपको अगर सप्लायर देता है तो सप्लायर की ऑब्लिगेशन होता है कि वाउचर कंसिडरेशन के बदला रिसीव करेगा, यानी वाउचर जब भी देंगे तो उस वाउचर पे जो कंसिडरेशन अमाउंट लिखा हुआ है उतने अमाउंट कंसिडरेशन से माइनस हो जाएगा, यानी उतने अमाउंट कंसिडरेशन में या पार्ट कंसिडरेशन में कंसीडर करेगा सप्लायर। मतलब एक तरह से कि सप्लायर के पास आप कोई भी सामान खरीदोगे तो उसमें से ये वाउचर का जितना अमाउंट है उतना माइनस हो जाएगा, यानी दिस इज द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन का पार्ट होगा। और सेकेंड कहता है वाउचर, कई बार क्या होता है कि जो सप्लायर वाउचर इश्यू किया है वो वहाँ ऑप्शन देता है इस वाउचर को आप हमारे यहाँ भी रिडीम कर सकते हो या कहीं और रिडीम कर सकते हो, दूसरे सप्लायर के पास भी रिडीम कर सकते हो, जो हमारा पोटेंशियल सप्लायर है उनका जो पोटेंशियल सप्लायर है वो भी वाउचर पे लिखा होगा कि वाउचर को आप कहाँ कहाँ रिडीम कर सकते हो। तो पोटेंशियल सप्लायर्स भी वाउचर पे मेंशन होगा, वाउचर पे टर्म्स कंडीशन भी मेंशन होगा, और वाउचर पे अमाउंट भी मेंशन होगा कि कितने अमाउंट आपके कंसिडरेशन में कंसीडर किया जाएगा। तो ये वाउचर है जिसको डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 118 में, सेक्शन 2 क्लॉज 118 में वाउचर को डिफाइन किया है। अब आते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 कहता है वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन क्लॉज 2, 3, 4, आपने 2 क्लॉज 2 में आपने टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाते हो किसी भी रीजन से, 3 में आप नहीं निकाल पाते, नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन, हमें पॉसिबल ही नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई निकालना क्योंकि हमें रेट ऑफ इनवॉइस पता नहीं है, इनवॉइस कब इश्यू होना है उसका लास्ट डेट भी पता नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट भी पता नहीं है, गुड्स कब रिसीव हुआ ये भी पता नहीं है, मतलब हमें कुछ भी नहीं पता। यानी आप सबसेक्शन 2 सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 4 में आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं डिटरमिन कर पाते, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन सबसेक्शन 2, 3 और 4, देन इन दिस केस टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, व्हेन पीरियोडिक रिटर्न्स फाइल, यानी आपको पीरियोडिक रिटर्न फाइल करना है, जैसे मंथली रिटर्न फाइल करना है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, GSTR 1 फाइल करना है, GSTR 3 भी फाइल करना है, या कोई भी पीरियोडिक रिटर्न्स आपके लिए मैंडेटरी है, तो उस पीरियोडिक रिटर्न का जो ड्यू डेट होगा, पीरियोडिक रिटर्न का जो ड्यू डेट होगा दैट विल बी द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई,
वो टाइम ऑफ सप्लाई का डेट होगा। अब कोई पीरियोडिक रिटर्न्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्योंकि ये अमाउंट अराइज हुआ है कोर्ट डिसीजन में या अपील में या डिमांड में, किसी भी तरह से ये डिमांड रेज हुआ है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑन विच टैक्स पेड, जिस दिन आप टैक्स पे कर देंगे वही हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 12 सबसेक्शन 6, टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू द एडिशन इन द वैल्यू। कई बार क्या होता है कि आपने सप्लायर ने रिसिपिएंट को सप्लाई किया, गुड्स सप्लाई किया, सप्लायर ने रिसिपिएंट को गुड्स सप्लाई किया और सप्लाई का टर्म्स कंडीशन है कि जिस दिन रिसिपिएंट को गुड्स मिल जाता है विद इन 1 month ही हैज टू रिलीज द पेमेंट, यानी सब रिसिपिएंट को पेमेंट रिलीज करना है विद इन 30 days। सपोज 30 दिन का कंडीशन है कि जिस दिन आपको सामान डिलीवरी हो गया 30 दिन के अंदर आप हमें पेमेंट दोगे, ये कंडीशन है। अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो हम 2% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपसे, ये कंडीशन है, 2% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या आपसे लेट फीस चार्ज करेंगे या आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, ये टर्म्स कंडीशन है सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में कि पेमेंट के लिए 30 days डिसाइड किया गया है, 30 days, 60 days, व्हाट एवर मे बी द डेज। तो पेमेंट के लिए जो डेज फिक्स हुआ है उस उतने डेज में पेमेंट नहीं किया तो हम इंटरेस्ट लगा सकते हैं, लेट फी लगा सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं। तो अब ये जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, लेट फीस मिलेगा, पेनल्टी मिलेगी, तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो लॉ में कहता है कि ये इंटरेस्ट की रिकवरी, लेट फी और पेनल्टी की रिकवरी थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए जिस दिन ये रिकवर हो जाए, जिस दिन रिसिपिएंट आपको पेमेंट दे दे, यानी जिस दिन आप रिसीव कर लेते हो एडिशनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस, वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑन व्हिच सच एडिशनल अमाउंट रिसिप्ट, ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब यहां भी टाइम ऑफ सप्लाई क्यों निकाल रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई से पेमेंट लायबिलिटी टू पे टैक्स विल अराइज, यानी कि हमें टैक्स पे कब करना है, टैक्स की लायबिलिटी हमारी कब होगी, ये टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा। टाइम ऑफ सप्लाई आपका निकल गया तो टाइम ऑफ सप्लाई के बाद जो ड्यू डेट है वहां तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई ये हमारी लायबिलिटी की डेट है कि हमारी लायबिलिटी अराइज होगी टाइम ऑफ सप्लाई पे। सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज द अर्लीस्ट ऑफ, पहला पॉइंट, पहला क्लॉज कहता है क्या आपने इनवॉइस रेज किया है, इनवॉइस रेज किया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। पहला क्वेश्चन, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में पहला क्वेश्चन है वेयर यू हैव इशूड इनवॉइस, यस आई हैव इशूड इनवॉइस, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस पेमेंट में जो पहले हो जाए ये टाइम ऑफ सप्लाई है। आपने इनवॉइस ही रेज नहीं किया, नो इनवॉइस हैज बीन इशूड, इनवॉइस इशू नहीं किया गया है, इन दिस केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर, यानी आपने सर्विस प्रोवाइड कर दिया, हाँ सर्विस प्रोवाइड कर दिया तो सर्विस प्रोविजन का डेट और टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट का डेट व्हिच एवर इज अर्लियर। तो और नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि हमें डेट ऑफ इनवॉइस भी इशू नहीं किया, सर्विस भी नहीं दिया, पेमेंट भी नहीं दिया, मतलब कुछ अता पता नहीं है, इनवॉइस का पता नहीं है, पेमेंट का पता नहीं है, सर्विस दिया कि नहीं दिया ये भी नहीं पता है, तो चलो तुम्हें छोड़ देते हैं,
रिसिपियंट से पूछ लेते हैं, रिसिपियंट ने रिसीव किया सर्विस की नहीं, रिसिपियंट अपने बुक्स में जिस दिन आपकी सर्विस की एंट्री करेगा वही आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा. टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट व्हेन द रिसिपियंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी सर्विस रिसीव किया है आपसे, इसकी एंट्री रिसिपियंट जिस दिन अपने बुक्स में करेगा वही हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा. ये 13 सबसेक्शन 2 है. अब इसका एक पहला प्रोविजो है 13 सबसेक्शन 2 में, प्रोविजो है, प्रोविजन दिया है कि अगर आप एडवांस 1000 रुपये तक रिसीव करते हो तो 1000 रुपये के लिए हमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ये आप पे छोड़ दिया है. यानी सप्लायर को अपने आप टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, चाहे वो डेट ऑफ इनवॉइस ले ले या डेट ऑफ पेमेंट ले ले, ये उनकी मर्जी है. या आपकी मर्जी से टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा व्हेन एडवांस रिसीव्ड अप टू 1000. 1000 तक का एडवांस आपने लिया है या कंसिडरेशन से 1000 रुपया आपने एक्सेस लिया है तो 1000 रुपये पे लायबिलिटी कब आएगी ये आप डिसाइड कर लो. इनवॉइस जब इशू करोगे तब टैक्स दोगे या जब आपने एडवांस में पेमेंट लिया है तब दोगे, ये इट इज ऑप्शन टू द रिसिपियंट सप्लायर, सप्लायर के लिए ये ऑप्शन है 1000 रुपये तक. सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, तो रिवर्स चार्ज में यहाँ पहला पॉइंट क्लॉज ए कहता है डेट ऑन विच पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी आपने बुक्स में पेमेंट की एंट्री कब की है और डेट ऑन विच पेमेंट डेबिटेड इन द बुक्स विच इवर इज अर्लियर. यानी आपने बुक्स में एंट्री कब की पेमेंट की और पेमेंट एक्चुअल में आपके बुक्स में डेबिट कब हुई विच इवर इज अर्लियर. अब इन दोनों में जो अर्लियर आया है ये हमारा डेट ऑफ पेमेंट होगा. डेट ऑफ पेमेंट इज द डेट ऑन विच पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स और डेट ऑन विच पेमेंट डेबिटेड इन बैंक विच इवर इज अर्लियर. और सेकंड कहता है कि डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द इनवॉइस. वहां पे गुड्स के केस में 30 डेज है, सर्विस के केस में 60 डेज है कि जिस दिन इनवॉइस दिया वहां से 60 दिन तक हम कुछ नहीं कहेंगे. 60 दिन जिस दिन खत्म होगा उसके अगले दिन आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा. तो ये 3 डेट आ गया, एक डेट ऑन विच पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ये डेट, डेट ऑन विच पेमेंट डेबिटेड इन बैंक्स ये डेट, और एक डेट है कि इनवॉइस से 60 दिन खत्म हुआ उसका अगला दिन नेक्स्ट डे ये नेक्स्ट डे. तो ये तीनों डेट में जो सबसे पहले होगा ये हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज. प्रोविजो फर्स्ट टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 3. सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 का पहला प्रोविजो कहता है टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री ऑन बुक्स ऑफ रिसिपिएंट. अगर पहला ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में टाइम ऑफ सप्लाई आप नहीं निकाल पाते, यानी आपने बुक्स में कब एंट्री की, आपने बुक्स में पेमेंट की एंट्री कब हुई, पेमेंट एक्चुअल में आपने कब किया, या इनवॉइस आपको नहीं मिला, मतलब ये होता है कि रिसिपिएंट को कुछ अता पता नहीं है तो रिसिपिएंट के बुक्स में देखेंगे इस सप्लाई को किस डेट में एंट्री की है. प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन क्लोज ए और क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई. यानी इस सर्विस की एंट्री रिसिपिएंट ने किस डेट में की है वही डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई. सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 3. सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 का सेकेंड प्रोविजो, सर्विस
फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। आपका एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस यानी आपका दूसरा एस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया से बाहर है, आपसे रिलेटेड पार्टी वो इंडिया से बाहर है। एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस का मतलब आप समझ लो रिलेटेड पार्टी, कि आपका रिलेटेड पार्टी इंडिया से बाहर है, उनसे आप सर्विस रिसीव कर रहे हो। यू आर रिसीविंग सर्विस इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। आप सर्विस रिसीव कर रहे हो अपने एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस से, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो यहाँ दो है कि आपने सर्विस रिसीव की है, तो सर्विस आपने रिसीव की है तो डेट उस सर्विस की एंट्री बुक्स में क्या की है, द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। यानी आपने सर्विस रिसीव की है तो किस डेट में रिसीव किया है, आपने बुक्स में एंट्री कब की है इस सर्विस की, और डेट ऑफ पेमेंट विच यूवर इज अर्लियर। यानी आपने सर्विस की एंट्री बुक्स में किस डेट में की और आपने पेमेंट किस डेट में की, दोनों में जो अर्लियर होगा वही आपकी लाइबिलिटी होगी, वही आपके टाइम ऑफ सप्लाई होगा, ये एसोसिएटेड इंटरप्राइज। वही सेम चीज आ गया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ वाउचर। वाउचर के केस में क्या होगा, तो वाउचर आप देते हो, गिफ्ट वाउचर देते हो, सप्लाई अगर आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर इश्यू करोगे उसी दिन आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, ड्यू डेट पे टैक्स जमा करवा दो। सप्लाई नॉट आइडेंटिफिएबल, व्हेन सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल, सप्लाई आइडेंटिफिएबल ही नहीं है, तो जिस दिन वाउचर को रिडीम करोगे आप वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। वही सेम प्रोविजन जो गुड्स में है एग्जैक्टली सेम है। फिर 13(5) एग्जैक्टली गुड्स के केस में भी हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ भी सेम प्रोविजन है। व्हेन टाइम ऑफ सप्लाई नॉट डिटरमिन अंडर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3, 4, 13(2), 13(3), 13(4) में अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाते तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ कहता है व्हेन पीरियोडिक रिटर्न्स फाइल देन ड्यू डेट ऑफ सच पीरियोडिक रिटर्न्स। आपने पीरियोडिक रिटर्न्स फाइल किया है तो पीरियोडिक रिटर्न्स की जो ड्यू डेट होगा ये टाइम ऑफ सप्लाई होगा। इन एनी अदर केस डेट ऑन व्हिच टैक्स इज पेड, दूसरे केस में टैक्स जिस दिन पे किया है। 12 एग्जैक्टली 12 में भी हम लोगों ने किया है, 13 में भी सेम है, ये भी 12 और 13 में एग्जैक्टली सेम है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन द वैल्यू बाय इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी, तो इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी ये हम सप्लायर रिसिपिएंट से लेता है फॉर डिले इन पेमेंट, पेमेंट लेट करता है उसके लिए हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पेनल्टी चार्ज करते हैं, लेट फी चार्ज करते हैं, तो ये इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी पे हम लाइबिलिटी तब बुक करेंगे जब ये हमें एक्चुअली रिसीव हो जाएगा, तब आप लाइबिलिटी बुक करोगे। टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑन विच एडिशनल अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। 14 अब आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन टैक्स रेट, यानी जब टैक्स रेट चेंज होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो पहला पॉइंट है कि हमारा टैक्स रेट जिस दिन चेंज हो रहा है, आपने सर्विस इससे पहले ही दे दिया, यानी सर्विस प्रोवाइडेड और गुड सप्लाइड, यानी सप्लाई आपने पहले ही दे दिया, यानी सप्लाई बिफोर चेंज इन टैक्स रेट, यानी सप्लाई पहले हो गया, इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में होता है, इनवॉइस भी बाद में दिया, पेमेंट भी बाद में आई, तो दोनों में जो अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। टाइम ऑफ बिफोर में, बिफोर के केस में देखना है कि कोई भी एक्टिविटी बिफोर हो रही है कि नहीं, अगर बिफोर कोई एक्टिविटी है तो बिफोर वाली एक्टिविटी टाइम ऑफ सप्लाई होगा, लेकिन दोनों बाद में हो रही है तो विच इवर इज अर्लियर ये टाइम ऑफ सप्लाई होगा। यानी आपने सप्लाई किया रेट बदलने से पहले, रेट में चेंज होने से पहले सप्लाई दिया, लेकिन इनवॉइस बाद में रेस किया, पेमेंट बाद में आई, तो इनवॉइस और पेमेंट दोनों में जो अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा।
सेकेंड पॉइंट कहता है कि आपने सप्लाई पहले दे दी, रेट में जब चेंज हुआ है उससे पहले आपने सप्लाई दे दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस पहले दे दिया, इनवॉइस भी पहले रेज की, पेमेंट बाद में आया, इनवॉइस भी पहले दे दी पेमेंट बाद में आया, तो इनवॉइस का डेट हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस। टाइम ऑफ सप्लाई, यहां पे डेट ऑफ इनवॉइस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये है सेक्शन 14 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 कि सर्विस आपने पहले सप्लाई पहले दी, इनवॉइस भी पहले दिया और पेमेंट बाद में आया, तो डेट ऑफ इनवॉइस, क्योंकि बिफोर आपने सप्लाई बिफोर दिया है तो हमें प्रेफरेंस देना है, बिफोर में जो एक्टिविटी होगा इनवॉइस बिफोर होगा तो डेट ऑफ इनवॉइस हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, पेमेंट बिफोर होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारा बिफोर होगा। सेकेंड पॉइंट कहता है 14 क्लॉज ए सब क्लॉज 2, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट व्हेन सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट, यानी सप्लाई आपने पहले दिया है, पेमेंट पहले आ गई, इनवॉइस बाद में दिया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ पेमेंट, यानी सप्लाई पहले हो चुकी है तो पहले वाले डेट जो भी होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब आते हैं सेकेंड कि आपने सप्लाई बाद में दिया है, जब रेट में चेंज हुआ, जब रेट में चेंज हुआ है उसके बाद आप सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन आपने चालाकी क्या की, इनवॉइस भी पहले दे दिया और पेमेंट भी पहले आ गया, तो विच ईवर इज अर्लियर, ये टाइम ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन क्लॉज बी सेक्शन 14 क्लॉज बी सब क्लॉज 1 में कहता है, ये सेक्शन 14 12 और 13 दोनों को ओवरराइड करता है। सेक्शन 12 कहता है सेक्शन 12 और सेक्शन 13 दोनों को ओवरराइड करता है, यानी सेक्शन 14 ना ही 12 की बात मानेगा ना ही 13 की बात मानेगा। 14 कहता है कि मैं जो कहूंगा वही मानना पड़ेगा, तो पहला कहता है कि सर्विस आपने रेट में चेंज होने के बाद दी है लेकिन इनवॉइस पहले दे दिया, पेमेंट बाद में हुआ, यानी सप्लाई बाद में, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी बाद वाला डेट लेना है, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट बाद में हुआ तो डेट ऑफ पेमेंट हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। 14 क्लॉज बी पॉइंट 2, अब यहां पे सप्लाई आपने बाद में दिया है लेकिन इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले हो गया, इनवॉइस भी पहले दे दिया और पेमेंट भी पहले आ गया, तो दोनों में जो पहले होगा व्हिच इवर इज अर्लियर दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अब कई बार क्या होता है, रेट बदल गया, सपोज पहले रेट था 5%, बाद में हो गया 18%, तो आप 18% से बच रहे, सप्लाई आपको बाद में देना है, तो आप अगर 5% टैक्स रेट देना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जिस दिन रेट चेंज हुआ है उससे पहले इनवॉइस इश्यू करना है, उससे पहले पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करेंगे, उससे पहले चेक दे दो उससे पहले और बैंक में जमा करवा दो, ताकि जिस दिन रेट में चेंज हुआ है उसके 4 दिन के अंदर अंदर बैंक में क्रेडिट हो जाए, तो ये दोनों एक्टिविटी आपने पहले कर ली तो टैक्स रेट होगा 5%, 18 नहीं होगा, क्योंकि जब रेट बदल गया उसके बाद अगर आप कोई भी एक्टिविटी करोगे या इनवॉइस दोगे या पेमेंट बाद में होगी तो बाद वाला डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन टैक्स रेट व्हेन सप्लाइड आफ्टर चेंज इन टैक्स रेट, मतलब सेक्शन 14, 12 और 13 दोनों को ओवरराइड करता है। यहां कहता है कि सप्लाई आपने बाद में दिया है जब रेट 18% हो गया, लेकिन पेमेंट आपने पहले रिसीव कर लिया, पेमेंट पहले दे दिया, जब पेमेंट रिसीव किया पहले जब रेट था 5%,
लेकिन इनवॉइस बाद में दिया है तो सप्लाई बाद में, इनवॉइस बाद में, तो बाद वाला डेट ही ले लेंगे, यानी टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इनवॉइस। तो सिंपली हमें याद रखना है कि आपने सप्लाई पहले दिया है रेट बदलने से पहले, तो पहले कोई भी एक्टिविटी हो जाएगी तो वही हमारा टाइम टाइम ऑफ सप्लाई होगा, चाहे इनवॉइस चाहे पेमेंट। तो बिफोर वाला, सप्लाई बाद में होगी तो बाद वाला डेट ले लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई का। दोनों बिफोर या आफ्टर होता है तो विच इवर इज अर्लियर, ये टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और ये हम लोगों ने अभी पेमेंट में पढ़ा भी था कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हमारा क्या होगा, ये प्रोविजो 14 में दिया है। चेक, अपने चेक सपोज डेट में चेंज हुआ उसके बाद भी चेक जमा करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 दिन के अंदर, जिस दिन रेट में चेंज हुआ है उसके 4 दिन के अंदर बैंक में क्रेडिट हो जाता है तो हम मानेंगे पेमेंट रिसिप्ट बिफोर चेंज इन टैक्स रेट, यानी 4 दिन के अंदर। 4 दिन के बाद अगर क्रेडिट होगा बैंक में तो जिस दिन क्रेडिट होगा वो डेट ऑफ पेमेंट होगा, यानी डेट ऑफ पेमेंट आपका डेट ऑफ पेमेंट होगा बिफोर चेंज इन टैक्स रेट व्हेन पेमेंट क्रेडिटेड इन बैंक विद इन 4 वर्किंग डेज। 4 दिन के अंदर बैंक में क्रेडिट हो जाए तो हम ये मान लेंगे आपने पेमेंट रेट बदलने से पहले रिसीव कर लिया। 4 दिन कहां से काउंट करेंगे, फ्रॉम द चेंज इन टैक्स रेट। तो ये प्रोविजन है सेक्शन 14 का। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 किया टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 किया टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन टैक्स रेट। तो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई था, ये टाइम ऑफ सप्लाई हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू।